मारता पीटता है, अगर उसके वो उसका छोटा भाई जबरदस्ती मेरे साथ करता है, अगर मैं कुछ करने की कोशिश करती हूँ तो पुलिस वाले से भी मार खिलवा देता है वो। कि मम्मी का पूरा पूरा हाथ है, और वो जब कुछ बोलो तो वो बोलते हैं कि भैया रानी है तो कुछ कर नहीं सकती, और फिर मेरे मम्मी पापा को मारने की भी धमकी देते हैं मुझे। मेरा नाम ममता है, वो विशाल कल्याणी से शादी हुई है 2 अगस्त को। वो हमेशा मारता पीटता है, अगर उसके वो उसका छोटा भाई जबरदस्ती मेरे साथ करता है, अगर मैं कुछ करने की कोशिश करती हूँ तो पुलिस वाले से भी मार खिलवा देता है वो। अच्छा। और उसकी मम्मी का पूरा पूरा हाथ है, और वो जब कुछ बोलो तो वो बोलते हैं कि भैया रानी है तो कुछ कर नहीं सकती, और फिर मेरे मम्मी पापा को मारने की भी धमकी देते हैं मुझे। पुलिस प्रशासन के पास क्यों नहीं जाते? मैं गई थी, फिर वो कहते हैं कि कुछ कर, मैं यहाँ ढाबे चौक की पड़ता है हमारा, तो वहाँ पे गई थी तो पुलिस वाले से मेरे को मार खिलवा दिए, और फिर दूसरे जगह गई तो वो मेरा कुछ लिखे नहीं। आप पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं? वहाँ मुझे इंसाफ चाहिए, वहाँ पे ढाबे चौकी पे गई थी वहाँ पे मार खिलवा दिए, और शेरपुर भी गई थी और कंगनवाल भी गई थी, वहाँ पे कुछ लिखे उखे नहीं और मुझे छोड़ दिए इधर। दस्ती क्या ये सब भी लिखवाया मैंने, कुछ लिखे नहीं, और यहाँ पे भी पहले भी हुआ था ये बात, तो मार के मुझे भगा दिए थे। पाँच छह बार जबरदस्ती भी कर चुका है वो। उसका विरोध नहीं किया आपने? किया था, फिर वो कहते हैं कुछ नहीं होता, मैं रख रहा हूँ ना, मेरा हस्बैंड बोलता है, और पुलिस वाले भी कुछ लिखते नहीं है, मार देते हैं फिर घर भेज देते हैं दोबारा। बच्चा भी है और कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है, तो मेरा वो जबरदस्ती करता है मेरा देवर, तो उसके साथ मेडिकल चेक करवा के उसका कुछ करना चाहिए, और मेरा इंसाफ करो कि मुझे, मेरा एक बच्चा है 1 साल का।